हेलो दोस्तों, हमारे क्षारकता का टॉपिक चल रहा था। क्षारकता का टॉपिक चल रहा था, नॉर्मलता में तुल्यांक की बार हम पढ़ रहे थे, जिसमें हेडिंग डली थी फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की क्षारकता। हमने अम्ल की क्षारकता पढ़ ली थी, अम्लों की क्षारकता चलती है चल रही थी, अम्लों की क्षारकता हमने पढ़ ली थी। और क्षार की हम अम्लता लेते हैं, अम्लों की हम क्षारकता लेते हैं। तो यहाँ फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की क्षारकता ये टॉपिक चल रहा था। नॉर्मलता हमारा टॉपिक था, मोलरता हमने खत्म कर दी थी। नॉर्मलता हमारा टॉपिक था, और नॉर्मलता में हम फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की क्षारकता लास्ट में हमने एडिंग डाली थी, फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की क्षारकता। फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की क्षारकता देख लेते हैं। पहला है H3PO2, दूसरा है H3PO3, PO4, H3PO2, H3PO3 और H3PO4। इसके पहले नाम देख लेते हैं, इसका क्या नाम होगा, इसका क्या रासायनिक नाम देख लेते हैं। हम नाम देखने से पहले हम इनकी ऑक्सीकरणांक ज्ञात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का होता है -2, पी की मान हमने सेंट्रल एटम है इसमें पी, संकरण होगा sp3 संकरण होगा, समचतुष्फलक की इसकी ज्यामिति होगी। तो इसका हम देख लेते हैं पहले ऑक्सीडेशन नंबर। तो हाइड्रोजन की होगी 3, +1 होता है तो +3 हो गई, ऑक्सीजन की -2 होती है तो -4 हो गई। तो -4 में से +3 गया तो -1, और -1 उधर गया तो +1, इसकी होगी +1, इसकी हो जाएगी 3 × 2 = 6, 6 में से 3 गया तो 3 + 3, इसकी हो जाएगी +5। इसकी सबसे कम ऑक्सीकरण अंक है, तो इसके हिसाब से इसके लगेगा हाइपो। फिर आएगा फास्फोरस, किसके अम्ल है, फास्फोरस के, तो हाइपो फास्फोरस। फास्फोरस अम्ल, हाइपो फास्फोरस अम्ल, इसका हो जाएगा मध्यम है। देखिए कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है, तो इसका हो जाएगा हाइपो, तो कम में लगता है तो हाइपो लग गया, हाइपो फास्फोरस हो गया। इसकी कम ऑक्सीकरण अंक है, इसके है +3, इससे तो अधिक है पर इससे भी अधिक है, +5 है, तो इसका हो जाएगा फास्फोरस अम्ल। और इसके लग जाएगा, फिर आता है इक, आता है इक, सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अंक होती है उसके इक लगता है, तो फास्फोरिक, इसका हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल। तो इसका हो गया +1, इसकी ऑक्सीकरणांक थी, तो इसका हो गया हाइपो फास्फोरस अम्ल, इसका हो गया फास्फोरस अम्ल, और इसका हो गया फास्फोरिक, इक लग गया तो फास्फोरिक अम्ल। हम इनकी क्षारकता देख लेते हैं। क्षारकता क्षारकता तो इसमें इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले H3PO2 की, इसमें एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़ता है डायरेक्ट, और फिर एक जुड़ता है OH से, और इसमें बचा कितना, एक तो हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, दो ऑक्सीजन तो कंप्लीट हो गए, दो हाइड्रोजन, तो एक यहाँ जुड़ जाएगा और एक यहाँ जुड़ जाएगा OH। इसकी स्ट्रक्चर हो गई H3PO3। फिर स्ट्रक्चर आते हैं H3PO3। तो इसमें वही कंसेप्ट लगेगा, एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से और एक OH, कितने ऑक्सीजन बचे, दो ऑक्सीजन कंप्लीट हुई, एक ऑक्सीजन और, तो एक ऑक्सीजन और लग गया। फिर कितने, तीन, तो दो तो हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन ये लग गया, क्योंकि H3PO3 की फास्फोरस अम्ल की। फिर इससे यहाँ मान लेते हैं फास्फोरिक अम्बल, फास्फोरिक अम्बल,
डबल बॉन्ड, ये OH, यहाँ भी OH और यहाँ भी OH, ये हो गया। ये तो हो गया फास्फोरिक H3PO4। इसमें क्या कंसेप्ट लगता है, जिस ऑक्सीजन पैच होता है ना, विद्युत ऋणी, फोन पैच, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीनों पर, क्योंकि इसकी होती है चार विद्युत ऋणता, इसकी चार होती है, इसकी 3.5 होती है और इसकी 3 होती है ऑक्सीकरण, इसकी होती है विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणी, अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व है। विद्युत ऋणता फ्लोरीन की 4 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता फ्लोरीन की है, एकमात्र तत्व। तो फोन पे जुड़ा एच अम्लीय है, क्योंकि ये खींचेगा इधर, तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, अरे पॉजिटिव होता है ये एच, हट जाएगा प्रोटॉन के रूप में। इससे पहले इसको देख लेते हैं, ये इधर खचा ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पार्शल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शल पॉजिटिव। पार्शल पॉजिटिव आता है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खिसक जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा प्रोटॉन के रूप में, तो यहाँ से एक ही हाइड्रोजन हटेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट पीछे जुड़ रहा है, इस पे भी वो नहीं है, तो एकमात्र ही है, तो इसकी हो जाएगी एक। समझ में आया? दूसरा देखिए, इस पे भी वही नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है ऑक्सीजन की, तो एक 3.5 से खींचेगा। हाइड्रोजन की 2.1 होती है विद्युत ऋणता और ऑक्सीजन की 3.5 होती है, तो ये प्रोटॉन के रूप में हट जाएगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में हट जाए, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजनों पर दो हाइड्रोजन है, तो इसकी हो जाएगी 2, और ये यहाँ हो गया 3 हो गया ना, इस प्रकार हो गया। हमने इनकी क्षारकता निकाल ली, इसकी क्षारकता एक आएगी, इसकी 2। क्षारकता का कंसेप्ट था विस्थापित हाइड्रोजन की संख्या, और विस्थापित हाइड्रोजन कैसे, हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निकलना चाहिए। अब प्रोटॉन के रूप में कब निकलेगा, जब उनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, अधिक विद्युत ऋणी तत्वों से जुड़ेंगे, तो फोन पे जुड़ा कंसेप्ट यही होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे अधिक विद्युत ऋणता इनकी ही है। फोन पे जुड़ा एच अम्लीय होता है, आपने सुना होगा कि फोन पे जुड़ा एच अम्लीय होता है, इसका एक ही कंसेप्ट है, क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन की 4 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है विद्युत ऋणता और नाइट्रोजन की 3 होती है, इसलिए हम कह देते हैं सीधे फोन पे जुड़ा एच अम्लीय होता है, वो आसानी से प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है। और यही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की 3.5 है और हाइड्रोजन की 2.1, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को 2.1 से खींचेगा और वहीं ऑक्सीजन 3.5 से खींचेगा, तो अधिक खींच रहा है ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन से इसको इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींच लेगा, तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव, आंशिक पॉजिटिव, और इस पे आ जाएगा आंशिक नेगेटिव, इस प्रकार फिर ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। और कंसेप्ट क्या था क्षारकता का, विस्थापित हाइड्रोजन की संख्या, तो यहाँ विस्थापित कितना हुआ है, 1 हो रहा है, तो इसकी क्षारकता आ गई 1, यहाँ पर 2 रे है, इसकी आ गई 2, और यहाँ पर हो रहे 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 3 क्षारकता आ जाएगी इसकी। फिर हम क्षारकता तो निकाल लिए, अब हमारा कंसेप्ट था इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांक की बाहर निकालना, तुल्यांक की बाहर का था अणुभार बटा क्षारकता, कंसेप्ट था अणुभार बटा क्षारकता, इनका टोटल करना, इनका अणुभार होएगा पूरा 66 और इसकी क्षारकता हो गई 1, तो इसका निकल जाएगा 66, इसका भी वही अणुभार आएगा, तो यहां से निकाल लेते हैं 66 बटा, यही निकाल लेते हैं 66 बटा 2, 66 बटे 2 तो ये हो गया 33, सही ना, 33 हो गए, 66 बटे 2 ये हो गया 33, इसका तुल्यांक की बार आ गया 33, इक्विवेलेंट वेट बराबर 66 बटा
दो बराबर 33। ये चीजें जब ही समझ में आएगी जब आप पीछे की क्लास लोगे ना, क्लियर हो जाएगा पूरा, तब जाके ये क्लास समझ में आ जाएगी ना। ऐसे तो कोई क्लास समझ में नहीं आएगी, बीच में से फटोगे तो कोई समझ में नहीं आएगी। हम देखते हैं इसका, फिर इसका देखते हैं हम, इसकी क्षारकता है 3। विस्थापित हाइड्रोजन की संख्या यहां कितनी है? 3। इससे भी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, यहां पर भी और यहां पर भी, तो इसकी क्षारकता हो जाएगी 3। क्षारकता का एक ही कंसेप्ट है, विस्थापित हाइड्रोजन की संख्या, तो यहां विस्थापित 3, प्रोटॉन के रूप में 3 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ध्रुवीयता 3.5 है, ये 3.5 से खींचेगा, हाइड्रोजन की 2.1 है, वही कंसेप्ट है इनमें। अरे ये अधिकतर इसमें क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या हो गई भाई 3, इसमें बैठ जाएगा, इसमें फिर भी बैठ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या 3, हमने मान लिया इसकी क्षारकता 3, पर यहां नहीं बैठेगा। हर कोई कहता है कि जितनी भी हाइड्रोजन उतनी क्षारकता, पर यहां नहीं बैठेगा। इसकी क्षारकता कितनी आ रही है? इसकी क्षारकता मात्र 2 ही आ रही है, और हर कोई देखता है कि हाइड्रोजन की संख्या बराबर क्षारकता, तो यह कंसेप्ट नहीं बैठता। फास्फोरस के अम्बल, इसलिए मैंने फास्फोरस के लिए कि हाइड्रोजन स्ट्रक्चर से निकलेगी पूरी चीजें, ऐसे नहीं कि हवा में उड़े, हवा में नहीं निकलेगी, स्ट्रक्चर से निकलेगी, इसलिए तो मैंने स्ट्रक्चर बनाकर इनको आराम से समझाया। तो इसकी हाइपोफास्फोरस की तो ये निकला है तुल्यांक की बात, इसका ये निकला है तुल्यांक की बात, और इसका हम तुल्यांक की बात निकाल रहे हैं। इसकी क्षारकता हो गई 3, क्षारकता बराबर इसकी हो गई 3। अब तुल्यांक की बात, इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं, 66/3 बराबर हो गया 22। इनका टोटल करने ला कर लेना अणुभार, इक्विवेलेंट वेट का अम्ल में है अणुभार बटा क्षारकता। लवण में क्या था? लवण में था सूत्रभार, सूत्रभार, सूत्रभार इक्विवेलेंट वेट बढ़ा, यह लवण के लिए, यहां लिख देता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं मैं, लवण के लिए क्या था? इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है लवण के लिए, लवण के लिए, हमने लवण पिछली क्लास में पढ़ लिया था, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं, लवण के लिए इक्विवेलेंट वेट तुल्यांक की बार, तुल्यांक की बार यह हो जाएगा लवण के लिए तुल्यांक की बार इक्विवेलेंट वेट बराबर, ये पिछली क्लास का सूत्र है, यह मैं आपको समझा रहा हूं मात्र कि यह सूत्र था पिछली क्लास में। यह क्लास तभी समझ में आएगी जब आप पीछे की क्लास पढ़ोगे, और पीछे की क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, इन सबके नोट्स टेलीग्राम साइंस फाउंडेशन पर आपको मिल जाएगी, इनके पूरे के नोट्स, और पीछे की क्लास को देखेंगे तब ये क्लास समझ में आएगी कि ये किस प्रकार निकाल रहे हैं। तो लवण के लिए तुल्यांक की बार हमने क्या पढ़ा था? सूत्रभार, वहां कंसेप्ट लगता है सूत्रभार, सूत्रभार अणुभार एक ही है, सिर्फ शब्द का फर्क है, वही सूत्रभार है, जिस प्रकार अणुभार निकलता है ऐसे सूत्रभार निकलता है। सूत्रभार बटा यह हो जाएगा संयोजकता कारक, संयोजकता कारक VF वैलेंसी फैक्टर, ये हो जाएगा लवण के लिए, ये तो हमने पिछली क्लास में देख लिया था। ये समझ में आया किस प्रकार हमने फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की क्षारकता निकाली? हर कोई क्या देखता है? अम्ल का नाम आया, हाइड्रोजन देखा, हाँ भाई इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसकी क्षारकता 3, जबकि इसकी क्षारकता कितनी आ रही है? स्ट्रक्चर देखे इसकी क्षारकता मात्र 1 आ रही है, ये क्षारकता इसकी 1 क्षारकता रही है। फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की हम क्षारकता का भी एक फंडा बना देंगे, देखिए फंडा मैं बना ही देता हूँ यहाँ पर, फंडा इनकी, चल इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद फंडा बनाएंगे इसके बाद, और कल की ओप रहेगा, कल का ओप रहेगा, कल का ओप रहेगा, इन सब की है ना पीडीएफ मिल जाएगी आपको, इनके नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी इन सब की। अरे यदि समझ में ना आए ना तो कमेंट में जरूर बताना कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, कौन कौन से इस प्रकार फटाए भाई, इस प्रकार हमारे समझ में ज़्यादा आता है उस प्रकार ही फटा लेंगे हम। पर जब तक ये वीडियो जब तक समझ में नहीं आएगी, जब तक ये पाछली चीज़ें क्लियर नहीं होगी, पाँच छः के वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको।
हम देख रहे थे फंडा, ऑक्सी फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की, फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की क्षारकता, क्षारकता किस प्रकार निकालती है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन माइनस नंबर ऑफ ऑक्सीजन में से आपको क्या घटाना है कि इसमें कि डायरेक्ट निकाल ले हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन में से एक घटा देना फास्फोरस अम्लों के लिए, ये फास्फोरस अम्लों के लिए फास्फोरस अम्लों की क्षारकता का फंडा निकालने का फंडा, ये सब चीजें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगी, नॉर्मलता इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगी, तो इसको अच्छी तरह से देख लेना। तो फास्फोरस अम्लों की क्षारकता निकालने का फंडा, फंडा यहां है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जितने ऑक्सीजन आपको दिखे उसमें से एक गठा देना। आप समझ गए होगे एक क्यों गठवा रहा है, समझ गए होगे आप। देखिए यहां है H3PO2, एक था H3PO3 और एक था H3PO4, डायरेक्ट निकालते हैं कि क्षारकता। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने, दो में से एक घटाओ, ये एक घटाओ, इसमें से दो में से एक घटाए तो ये आ गई एक, तो इसकी क्षारकता एक ही आ रही थी थोड़ी देर पहला, इसकी क्षारकता कितनी आ रही थी, एक ही आ रही थी। इसमें से देखिए ऑक्सीजन कितने, तीन, और तीन में से एक घटाओ, इसकी क्षारकता दो आ रही थी, और इसकी चार में से एक तीन आ रही थी। तो ये क्षारकता निकालने का फंडा है, फास्फोरस हम लोग की क्षारकता निकालने का फंडा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन माइनस वन, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। देखा हाँ, तो भाई ऑक्सीजन माइनस वन, ऑक्सीजन में से एक घटा देना, ऑक्सीजन जितने भी ऑक्सीजन हो ये मात्र फास्फोरस के है, ये फंडा हर जगह नहीं लगेगा, फास्फोरस हम लोग की क्षारकता निकालने का ये फंडा है मात्र। तो उसमें से नंबर ऑफ ऑक्सीजन में से एक घटा देना तो आपको क्षारकता मिल जाएगी, क्षारकता। और फिर क्या करना है, अणुभार लगाना है इक्विवेलेंट वेट के लिए, अणुभार लगाना है, अणुभार में फिर क्षारकता का भाग दे देना, क्षारकता तो निकली जाएगी। अणुभार आप काउंट कर ही लोगे इनके, हाइड्रोजन का एक होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 32 इस प्रकार निकाल लेना, इसका हो जाएगा 66। तो इक्विवेलेंट वेट तो यहाँ से हो गया, इसका निकाल लेते हैं एक का मात्र, इसका हो गया 66/1 = 66। इस प्रकार ये इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा इसका, हाइपोफास्फोरस का, ये फास्फोरस है फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, ये क्लियर। इसे आगे देखते हैं, इसे आगे समझते हैं। ये तो अम्लों की हो गई, अम्लों की हम क्या निकालते हैं, क्षारकता, और क्षारों की हम क्या निकालते हैं, अम्लता। अम्लता में OH- को काउंट करते हैं, क्षारकता में OH- को अम्लता में OH- को काउंट करते हैं, क्षारकता में H+ को काउंट करते हैं। अम्लों की तो क्या निकलती है, क्षारकता, और क्षार की क्या निकलती है, अम्लता। क्लियर, क्षारों के लिए देख लेते हैं, क्षार की हम क्या निकालते हैं, हाँ यहाँ लिख दे VF तो जानते हो, वैलेंसी फैक्टर, संयोजकता कारक का मान, VF का मान क्षार के लिए, क्षार के लिए, तो यहाँ बन जाएगा, यह क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट वेट बराबर ये हो जाएगा क्षार के लिए। इसमें भी अणुभार लेते हैं, अणुभार बटा अम्लता, इसमें क्या लेते हैं, अम्लता, क्षार के लिए अम्लता लेते हैं, अम्ल के लिए क्षारकता लेते हैं। क्षारकता में क्या है, अम्ल क्षारकता तो जान गए होगे, अम्ल के लिए लेते हैं क्षारकता। इसमें विस्थापित H+, विस्थापित
एस प्लस को काउंट करते हैं, इसमें क्या करते हैं विस्थापित ओ एच माइनस, ओ एच माइनस इसको काउंट करते हैं इस अम्लता में। समझ में आया? इससे आगे देखते हैं, हम उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं इसको। NaOH ले लेते हैं, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ऐसे नहीं समझ में आए। उदाहरण देखिए, एग्जांपल हम पहला एग्जांपल लेते हैं NaOH, जिसमें से इसको तोड़ा तो ये बन गया Na+, प्लस ये बन जाएगा Na+, प्लस Na+ प्लस और OH प्लस OH माइनस, या कितना विस्थापित हो रहा है मात्र एक, कितना हो रहा है मात्र एक। तो कंसेप्ट लगे लगेगा इसकी होगी अम्लता, अम्लता कितनी आ रही है इसकी, अम्लता बराबर हो रही है इसकी एक, क्योंकि यहाँ OH माइनस एक मिल रहा है। VF का मान क्षार के लिए, क्षार के लिए अम्लता लेते हैं और अम्लता याद कर रहे हैं हम अम्लता, तो इसमें NaOH क्षार है, इसमें से हमने ले लिया इसकी, इसको तोड़ा तो OH माइनस की संख्या में एक मिल रहा है, संख्या में एक मिल रहा है तो अम्लता इसकी होगी एक, इसकी अम्लता एक होगी। अब इसका अणुभार देखो, इसको काउंट करो, इसको काउंट करेंगे तब इसका अणुभार आएगा 40। इसका अणुभार कितना आएगा पूरे को काउंट करने के बाद, इसका हो जाएगा 23, इसका हो जाएगा 23 सोडियम का, इसका हो जाएगा 16 प्लस एक, आ रहा होगा हाँ 40 आ रहा है, सही है। तो ये हो गया अणुभार 40। फिर हम इक्विवेलेंट वेट देखते हैं, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार में कंसेप्ट था अणुभार बटा अम्लता, अणुभार कितना है इसका 40 और अम्लता कितने एक, तो ये हो गए 40, सही है, ये निकल गई। दूसरा देखते हैं, दूसरा उदाहरण, दूसरा CaOH का होल ट्वाइज, इसको तोड़ो, तो इसको तोड़ा तो Ca का 2 प्लस प्लस 2OH माइनस, OH की संख्या कितनी है 2, तो इसकी अम्लता हो गई, इसकी अम्लता हो गई 2, अम्लता 2, इसकी अम्लता हो गई 2, OH की संख्या कितनी है 2 हो गई, और इसकी अणुभार कितना हो जाएगा, अणुभार इसका होता है 40 और 40 16 और 1 पूरा हो जाएगा इसका 74, कितना हो जाएगा 74, अणुभार इसका हो जाएगा 74। और फिर इसकी क्या निकालनी है हमें, इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 74/2 अणुभार बटा अम्लता, इसका हो जाएगा 37, इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 37। फिर हम तीसरा उदाहरण लेते हैं, कुछ भी नहीं इसमें समझने की, सिर्फ अम्लता निकाल रहे हैं, अम्लता निकला, अणुभार हम काउंट करना जानते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकलाएगा, इक्विवेलेंट वेट को वहां पर रखा और वहां से नॉर्मलता निकलाएगी, बस क्लियर। अरे ये नॉर्मलता काम आएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इसकी काम आएगी। अब ये होगा AlOH, ये तीसरा उदाहरण AlOH का थ्राइज, यह हो जाएगी Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस, 3OH माइनस,